गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज क्लास नाइन्थ के साइंस में चैप्टर थ्री पढ़ेंगे। तो देखिए आप लोगों का चैप्टर थ्री क्या है, परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो हम देखेंगे परमाणु कहते किसे हैं। परमाणु तत्व का वह सूक्ष्म कण है जिसमें पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे ही परमाणु बोला जाता है। और परमाणु के कण तीन प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब देखते हैं कि अणु कैसे कहते हैं। पदार्थ का द्रव्य का वह सूक्ष्म कण जो परमाणुओं से मिलकर के बना होता है वो अणु कहलाता है। अब इस इन परमाणु अणु का और अच्छे से डिफिनेशन एग्जाम्पल सहित हम लोग आगे देखेंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं रासायनिक संयोजक के नियम, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। रासायनिक अभिक्रियाओं की मात्रात्मक मापों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि पदार्थ में रासायनिक अभिक्रियाएं कुछ नियमों के अनुसार होती हैं। इन नियमों को रासायनिक संयोजक के नियम यानी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। यानी रासायनिक संयोजक के नियम में है कि रासायनिक अभिक्रियाओं की मात्रात्मक मापों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि रासायनिक संयोजक के नियम कुछ नियमों पर आधारित हैं, जिसे रासायनिक संयोजक के नियम यानी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम देखेंगे पहले, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द्रव्यमान संरक्षण का नियम सर्वप्रथम लेवासी ने 1774 में दिया था। इन लेवासी ने बताया था कि किसी भौतिक परिवर्तन अथवा रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है, उसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम किया जाता है। यानी कि द्रव्यमान को न तो उत्पाद किया जाता है और न ही इसको नष्ट किया जाता है, उसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। आगे देखेंगे स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम जोसेफ प्रोस्ट ने 1799 में किया। इसके अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में चाहे वह किसी भी विधि से बनाया या प्राप्त किया गया हो, तत्व के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं, उसे ही स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है। आगे देखेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन एटमिक थ्योरी। डाल्टन के अनुसार द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो, यौगिक या मिश्रण हो छोटे छोटे विभाजित सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, इन्हें परमाणु कहा गया। डाल्टन सिद्धांत की परिकल्पना निम्नलिखित है, सभी द्रव्य परमाणुओं द्वारा बने होते हैं। इन परमाणुओं को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता तथा ये रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण है, यानी जो परमाणु है अविभाज्य सूक्ष्म कण है, इन्हें न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही सृजित किया जा सकता है। थर्ड नंबर है, एक तत्व के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणों में एक दूसरे के समान होते हैं तथा इनका द्रव्यमान निश्चित होता है। फोर्थ है, विभिन्न तत्वों के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। फिफ्थ है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। आप लोगों का शिक्षण, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। अब देखते हैं डाल्टन के सिद्धांत के आधार पर परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा अविभाज्य कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। यानी परमाणु तत्व का वह सूक्ष्म कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। देखते हैं रासायनिक संयोजक के नियमों की व्याख्या कैसे किया डाल्टन ने। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोग के दोनों नियमों जिनका अध्ययन हमने अभी किया है को भली भांति स्पष्ट करता है। इस पर देखे थे हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम, आप लोगों को बताए थे द्रव्यमान संरक्षण के नियम में द्रव्यमान करना तो नष्ट किया जाता है और नहीं देख ही लेते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की एक अभिग्रहित यह प्रस्तावित करती है कि परमाणु के अविभाज्य कण हैं
किसी भौतिक परिवर्तन अथवा रासायनिक परिवर्तन के दौरान इसका न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। यानी कि रासायनिक परिवर्तन अथवा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान केवल अभिकारी परमाणुओं का उत्पाद परमाणुओं में रूपांतरित तो होता रहता है, अर्थात जैसे बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम क्लोराइड में बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनता है। चूंकि उपयुक्त रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में परमाणु अथवा आयन उपस्थित हैं, अतः द्रव्यमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। इसमें न तो इसका ह्रास होगा और न ही इस कोई नया सृजन होगा। इस यही आप लोगों का द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कुछ कमियां क्या थी, कमियां और इसकी सीमाएं क्या थी। यानी कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का विज्ञान विशेषतया रसायन विज्ञान में विशेष स्थान है। इस सिद्धांत ने सर्वप्रथम द्रव्य के संगठन के बारे में एक निश्चित व ठोस सूचना प्रदान की थी। इस सिद्धांत के द्वारा रासायनिक संयोजन के नियम में भी भली भांति स्पष्ट हो पाए। यद्यपि यह सिद्धांत लंबे समय तक की डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अभिग्रहित में दोष है। इस सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं निम्नलिखित है। देखिए पहला इसका है, परमाणु विभाज्य पाया गया है। यह अनेक परमाणु कणों जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आदि से मिलकर बना है। इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। सेकंड है, समान तत्व के परमाणुओं के भिन्न भिन्न द्रव्यमान हो सकते हैं, जैसे समस्थानिक तत्व। थर्ड है, भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान परमाणुओं के समान द्रव्यमान हो सकते हैं, जैसे संभारी तत्व। फोर्थ है, भिन्न तत्वों के परमाणु सदैव सरल पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके किसी यौगिक का अणु नहीं बनाते हैं। यानी कि इसका एक उदाहरण सुक्रोज अथवा शर्करा है। सुक्रोज का अणु C12H22O11 द्वारा व्यक्त किया जाता है, जो इंगित करता है कि अव्ययी परमाणु सरल पूर्णांक अनुपात में उपस्थित नहीं है। इसे वास्तविक अनुपात 12 संबंधी 22 संबंधी 11 होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। आगे हम नेक्स्ट क्लास बताएंगे। थैंक यू।